हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो अभी देखिए, ये जो क्लिप है ना, ये पूर्णिमा के दिन का ही है और आधा क्लिप मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसमें ये क्लिप मैं ऐड कर रही थी तो बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ मंचूरियन और थोड़ा क्लिप पूर्णिमा का डाला था। तो अभी देखिए, जो कपड़े सारे थे वो मैं फोल्ड कर लूँगी। और काफ़ी कपड़े हो गए थे, 2 दिन के कपड़े थे, क्योंकि मशीन से वास हुए हैं ना। वैसे तो मैं कपड़े हाथ से अगर वास करती हूँ तो कम कपड़े रहते हैं, पर 2 दिन के कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो इसीलिए मैंने मशीन लगा दिया। और हमारे यहाँ जो धूप है ना, बहुत हल्का धूप हो रहा है। अगर कपड़े हाथ से वास करती ना तो 2 दिन लग जाता सूखने में ही, तो इसीलिए मैंने कपड़े ज़्यादा थे तो मशीन लगा दिया था। और मेरा और मेरे हस्बैंड का, बच्चों का जो टॉवल था वो भी था, और कपड़े ज़्यादा हो गए थे, लगा दिया कि एक दिन में ही। वैसे मशीन में तो आधा वो खुद सुखा देता है, इतना मतलब अच्छी तरीके से ड्राई होता है ना, कि मतलब बस थोड़ी सी धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने इसे मशीन में सारे कपड़ों को डाल दिया था। ये डेली वेयर कपड़े हैं, वैसे मैं डेली वेयर कपड़ों को मतलब हाथ से ही धुल देती हूँ, मशीन नहीं लगाती हूँ, पर ज़्यादा होने की वजह से मैंने सोचा कि 2 दिन लग जाएगा सूखने में, और चलो लगे हाथ इसे मशीन लगा दूंगी तो जल्दी से सूख जाएगा और मैं लगा दूंगी। और यही एक काम सबसे आलस भरा होता है कि कपड़े सुखाइए, फिर इसे फोल्ड करके अलमारी में लगाइए। और फ्रेंड्स, मुझे आनी थी, जैसे कि मैं जब अपनी LV जो स्टार्ट करती हूँ ना, तो अभी मतलब रात में जो थोड़ा सा नेट बचा रहता है तो ट्राई करती हूँ, इसलिए मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। और LV इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि रुपेश का एक्स्ट्रा मैथ का क्लास चलता है। जैसे कि मैथ में सारे बच्चे इस लॉकडाउन के मतलब कोरोना काल में बहुत कमज़ोर हो गए हैं ना, तो स्कूल ने डिसाइड किया है कि स्कूल में मैथ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी, जो 0 पीरियड होता है ना, वो भी मैथ का होता है, एंड घर पर भी उसका मतलब 2 बार क्लास चलता है। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नेट बचा के रखना होता है, क्योंकि जूम पे इन लोग का जो है क्लास चलता है और बहुत ज़्यादा नेट उसी में बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी पहले बच्चों का भविष्य बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं एक एक दिन बाद ब्लॉग भी डालती हूँ और छवि मस्ती कर रही हूँ वहाँ पर। एक एक दिन बाद मैं ब्लॉग भी डाल रही हूँ और इसलिए LV शुरू नहीं कर रही हूँ, पर जल्दी ऐसा हो कि मैं शुरू कर दूँ LV। और हस्बैंड है वो अपना फ़ोन लेके चले जाते हैं, तो मेरे फ़ोन से ही बच्चों का सब कुछ जो होता है स्कूल का, वो मेरे ही फ़ोन से होता है। इसीलिए तो चलिए, बातें बहुत लंबी हो गई है, अब वीडियो को बातें बहुत लंबी हो गई हैं, अब काम करना स्टार्ट करते हैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं छत पर आ गई हूँ, दीप मतलब जलाने के लिए कैंडल्स, दिया नहीं जला रही हूँ, कैंडल्स जला रही हूँ। और डिनर वगैरह अभी नहीं बनाई हूँ, जब कैंडल जला लेंगे, बच्चे थोड़ा पटाखा रखे हुए हैं दिवाली का, वो सब फोड़ लेंगे, फिर डिनर बनाऊंगी, क्योंकि इस समय ना खाना बहुत जल्दी जो है ना वो बनाते ही ठंडा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही खाना बनाती हूँ, कुछ तुरंत बनाऊंगी। 8 बजे शुरू करती हूँ, 8:30-9 बजे तक बन जाता है खाना, फिर उसके बाद मैं बच्चों को दे देती हूँ, तुरंत गर्म गर्म खा लेते हैं, और ठंड में गर्म गर्म खाना मिले तो ही अच्छा लगता है, खाना रख के अगर हम खाते हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं छत पे आ गई थी कि अभी तो शायद 6:30 के लगभग हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कैंडल जला देती हूँ, बच्चे जब पटाखा फोड़ लेंगे फिर खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैंडल जलने के बाद बहुत सुंदर छत पे लग रहा था, ये देखिए। और मैं एक दिया जो है ना वो तुलसी माँ के आगे भी जला देती हूँ, तो ये देखिए, और आगे का जो है नज़ारा कुछ इस तरह है, ये देखिए। हमारे यहाँ सबके मतलब सब लोग मनाते हैं देव दिवाली पे, सब अपने घर में मतलब कैंडल जलाते हैं, आप देख सकते हो सामने बगल में हर जगह जला हुआ है कैंडल, तो बहुत अच्छा लग भी रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था कैंडल देख के। और ये छवि ना आटे से, उसे शौक है सब करने का, तो आटे से थोड़ा थोड़ा रंगोली बनाई थी, तो वो छवि ही आपको दिखा रही है, मुझे नहीं पता कब वो रिकॉर्ड कर ली। और ये ना गोहरी है, मैंने सोचा था शकरकंदी भून लूँगी, पर मैं नहीं भून पाई थी, तो वो मैं छह मंगा के मैं रखी थी, तो सीढ़ी पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। और फ्रेंड्स, आप अपने यहाँ कैसे दिवाली मनाते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग हमारे जैसे ही कैंडल जला के, दिया जला के सेलिब्रेट करते हो, कि ऐसे ही नॉर्मल। आ रहे हो क्या?
अच्छे वाले आ गए। नीचे फोड़ोगे क्या रुपेश? और ये देखिए फ्रेंड्स, रुपेश जो है ना नीचे चला गया है, वो मिर्ची बम बोला जाता है ना वो फोड़ने के लिए, और कोई मतलब आलू वगैरह बम नहीं था, सिर्फ मिर्ची बम था। और ये मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया ना, जो सामने वाली भाभी हैं वो स्काई लाइट जो है वो जला रही थी, तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा मैं इनका भी क्लिप ले लेती हूँ। अब मैंने ना जूम कर दिया था इसलिए देखिए थोड़ा मतलब ब्लर दिख रहा है, इसलिए फिर मैंने जो है जूम आउट कर दिया। और अभी सब वेट कर रहे हैं कि वो जो है स्काई लाइट है ना वो आसमान में उड़े। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक और स्काई लाइट था ना वो आसमान में जा रहा था, तो छवि दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग कैसा लगा आपको मेरा पूर्णिमा ब्लॉग? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक किया करिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट दीजिए अपना। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि सब लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, पर चलिए कोई नहीं, आपको अगर उसी में खुशी मिलती है कि मतलब सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करने में, तो चलिए कोई बात नहीं, आप उससे ही खुश हो लीजिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, छवि ना जो है वो क्या बोलते हैं फुलझड़ी, हाँ फुलझड़ी जला रही थी, दो बचा के रखी थी, फिर मैं भी नीचे आ गई थी और मुझे छवि दे दी कि मम्मी आप भी जला लीजिए, तो देखिए मैं भी जला लेती हूँ। और कुछ इस तरह से मेरी देव दिवाली बीती, मतलब पूर्णिमा देव दिवाली, हमारे यहाँ सब देव दिवाली से ज़्यादा मतलब इस त्यौहार को जानते हैं। तो बच्चे बहुत खुश थे, बिल्कुल दिवाली की तरह लग रहा था, जैसे लग रहा था कि दिवाली फिर से वापस आ गई है। तो अभी देखिए रुपेश जो रिकॉर्ड करके कुछ बोल रहा था, तो वही मैं हंस रही थी कि रुपेश नहीं सॉरी छवि देखिए इशारा कर रही है। तो रुपेश तो बाहर था, पूरा पटाखा जब फोड़ लिया तब वो अंदर आया, फिर मैं चली जाती हूँ डिनर बनाने के लिए, तो मैंने डिनर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि डिनर का रिकॉर्ड करती ना तो काफ़ी लेट हो जाता। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तो बाय बाय फ्रेंड।